अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई। ये दाल फ्राई बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत अच्छा ही स्वाद देता है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने इस कप से 2 कप मेजरमेंट करके मैंने यहाँ मूंग का दाल लिया है। इसको मैं अच्छे से धोऊंगी। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन को बंद कर दिया है। अब इसे 5-6 सीटी तक आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं दाल हमारा गला है या नहीं। चलिए तो अब अपनी दाल को खोल के चेक करते हैं ये अच्छे से गला है या नहीं। देखिए दाल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गला है, इससे ज़्यादा ना गला है वरना ये अच्छी नहीं लगेगी। ये देख सकते हैं आप कैसे टूटा टूटा दाल है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब मैं इसका तड़के का प्रोसेस करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, अब मैं इसमें थोड़े से तेल ऐड करूँगी। आप घी में भी इसको बना सकते हैं। तेल डालने के बाद मैं यहाँ 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से जब तक जीरा हमारा पक नहीं जाता तब तक हम इसे हमको पकाना है। देखिए जीरा हमारा पक गया, मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। देखिए जीरा और मेरा लाल मिर्च अच्छे से पक गया, मैं इसमें थोड़े से अदरक ऐड करूँगी, सॉरी लहसुन ऐड करूँगी। आप चाहे तो यहाँ इस पॉइंट पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से हरी मिर्च। बस इसे अच्छे से टॉस कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं। फ्लेम हमारा हाई पर है, इसे हाई पर ही टॉस करेंगे। मैंने यहाँ एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, इसे ट्रांसलूसेंट होने तक इसे कुक करना है, अच्छे से हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। जब ये थोड़ा अपना कलर चेंज कर दे उसके बाद हम इसमें अपनी टमाटर को गलाएंगे। देखिए प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है। यहाँ पे मैं थोड़े से नमक ऐड कर रही हूँ, जब टमाटर जाएगा तो नमक ही तो ऐड करना होगा ना, इसको इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है जब तक टमाटर हमारा गल नहीं जाता। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से गल गए हैं, अब मैं इस पॉइंट पे थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैं अभी नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाला है और टमाटर को गलने में भी नमक डाला है, बाद में ज़रूरत हो तो मैं डालूँगी। इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है, ऐसे शॉर्ट पे मारना है। उसके बाद इस पॉइंट पे हम अपना दाल को ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके हम इसे अपना दाल को डालेंगे। फ्लेम हमारा अभी लो है, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, यमी यमी सा इजी पीजी दाल फ्राई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपको लगे कि आपका दाल अभी गाढ़ा है
तो आप इस पॉइंट पे थोड़े से गुनगुने पानी ऐड कर सकते हैं। ठंडा पानी ना ऐड करें वरना दाल जो है वो फट जाएगी और खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। मेरी दाल की कंसिस्टेंसी ठीक है, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा दाल कितना यमी यमी बना है। ऐसे ही आप भी अपने घरों में ऐसा दाल फ्राई बना सकते हैं और दूसरों को खिला सकते हैं। आप इसे चावलों के साथ, ज़ीरा राइस के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है खाने में। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐड नहीं किया है। देखिए सो आज की रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी।